सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पतंजलि पावर वीटा के बारे में। इसके क्या फायदे हैं, कैसे लेना है, क्या रिजल्ट है, क्या प्राइस है, ये सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो ये जो पावर वीटा है, जैसे कि वॉन वीटा होता है, हॉर्लिक्स होता है, कुछ उसी तरीके का है ये पावर वीटा। तो हम इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो 500 ग्राम का अगर आप एक डब्बा लेते हो तो ये आपको 195 रुपीज़ में मिल जाएगा। बहुत पहले जो इसका प्राइस था 205 रुपये था, लेकिन अभी जो है इसमें 10 रुपये कम कर दिया गया है, तो 195 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाया गया जो है ये पाउडर है और 100% वेजिटेरियन है। तो इधर जो है स्पेशली जो है बच्चों के लिए बनाया गया है, लेकिन ये बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको ले सकते हैं। तो कैसे लेना है ये सब जो है मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी देखिए ये खरीदना कहाँ से, तो कोई भी जो पतंजलि के सेंटर होते हैं, आरोग्य जो केंद्र होते हैं, वहाँ से खरीद सकते हो, या फिर आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये जो है आप ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे इसको मंगा सकते हो अमेजोन से। तो दोस्तों चलिए अब इसके फायदे के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो है बहुत सारे आपको विटामिन्स मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और प्रोटीन मिलता है अगर आप ये पावर वीटा लेते हो तो। और इसमें देखिए अश्वगंधा है, शतावरी है, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, इस प्रकार से और भी इसमें जो है हर्बल इन्ग्रीडियंट्स है जिससे कि आपकी हेल्थ में काफ़ी फायदा मिलेगा। अब जैसे कि आपको थकावट रहती है, कमजोरी महसूस होता है, तो इस टाइप से अगर आपको कोई भी जनरल वीकनेस है तो आपके लिए ये जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। इसके अलावा काफ़ी जो है आप स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर जो है आप सही तरीके से एक जगह दिमाग नहीं लगा पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो ये जो है एक प्रकार से ब्रेन के फंक्शन को भी ठीक करता है, या फिर मैं बोलूँ मेमोरी को भी ये बढ़ाता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है कि जिससे कि जो है आपको छोटी मोटी जो बीमारी होती हैं जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब हमको नहीं होता है अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा तो। और इसके अलावा दोस्तों इससे जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे कि बच्चे जो होते हैं ना, बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत जो है होती है। तो इधर जो है ये पावर वीटा काफ़ी अच्छा हो सकता है बच्चों के लिए। और इसके अलावा बच्चों की जो बोन होती है, हड्डियाँ होती हैं, उनको मजबूत करने में मदद करता है। और अब इससे बात करते हैं भाई वजन बढ़ेगा या कम होगा, तो देखिए इससे ना तो वजन बढ़ेगा ना वजन कम होगा, क्योंकि ये जो है एक न्यूट्रिशनल जो है सप्लीमेंट है। तो एक प्रकार से जैसे कि बोनविटा होता है, हॉर्लिक्स होता है, तो देखिए ये बोनविटा हॉर्लिक्स भी बच्चों के भी आते हैं और बड़ों के भी आते हैं, तो इस प्रकार से पावर वीटा है। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए डोज जो है 20 ग्राम आपको एक दिन में दो बार तक ले सकते हो, दूध के साथ लेना होता है, लेकिन इधर मैं बोलूँगा आप 20 ग्राम जो है एक ही बार लीजिए, एक दिन में एक बार, और ये जो है एक गिलास जो है दूध में घोल के लीजिए, और इसमें शुगर वगैरह मत डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें शुगर अवेलेबल है, तो अलग से शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब इधर जो है मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकता है, अगर जैसे बड़े लोग लेते हैं, जैसे 18 साल से ऊपर कोई है तो इसको दो बार तक ले सकते हैं, एक दिन में दो बार तक, लेकिन अगर बच्चे हैं तो बच्चों को एक बार दीजिए, सफिशेंट रहेगा। और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो भी इसको ले सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में जो अननेसेसरी जो है कुछ भी नहीं लेना चाहिए, एक बार जो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, कितने छोटे बच्चे ले सकते हैं, तो देखिए 7 साल से ऊपर वाले ले सकते हैं, 7 साल से अगर कम है बच्चा डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब इधर भाई टेस्ट के बारे में बात करें, इसका टेस्ट कैसा है, तो देखिए वोनविटा और हॉर्लिक्स की तरह तो इसका टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज टेस्ट है, आपको पसंद आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इसका अच्छा टेस्ट हो सकता है आपको ना लगे, जैसे कि वोनविटा हॉर्लिक्स वगैरह आते हैं, कॉम्प्लेन आते हैं। अब इधर बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन जो डायबिटिक है वो डायबिटिक वाले ना लें क्योंकि इसमें शुगर है, और जो शुगर होती है डायबिटिक वालों को बेसिकली मना किया जाता है, तो इसका साइड इफेक्ट आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर कुछ आपको हेल्थ में इशू लगते हैं तो आप इसको लेना बंद कर सकते हो। अब इधर कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है, या तो मान लीजिए कोई आप च्यवनप्राश ले रहा है या कोई भी हेल्थ ड्रिंक ले रहे हैं, तो ये भी ले सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल इसको भी ले सकते हो, दूसरा कोई हेल्थ ड्रिंक या च्यवनप्राश ले रहे हो तो वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इधर रिजल्ट कब तक मिलेगा, कब तक लेना है, तो देखिए 3 से 6 महीना, कम से कम 3 से 6 महीना लेना है अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, जैसे कि 3 महीना हो गया आपको लग रहा है कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, तो इसको लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट जो है हर किसी पे अलग अलग आता है। अब इधर जो है मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप ये पतंजलि का पावर वीटा लेते हो तो देखिए आपको जंक फूड, फास्ट फूड ये सब नहीं खाना है, और जितना हो सके फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, जूस पीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ये सब खाइए तो आपकी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा रहेगा। और जो बड़े लोग होते हैं वो हो सके तो एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, क्योंकि बच्चों की तो वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत तो रहती है। तो इधर जो है ये एक प्रकार से एक हेल्थ सप्लीमेंट भी आप इसको बोल सकते हो, पावर वीटा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। लेकिन अभी भी कोई डाउट है इस पतंजलि पावर वीटा को लेकर तो आप जो है मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और अगर आप इस टाइप से और भी वीडियो देखना चाहते हो पतंजलि से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।